तुमने अपनी मंगनी की बात क्यों छुपाई मुझसे? नहीं, मैंने तो नहीं छुपाई। पहले क्यों नहीं बताया मुझे? सलीम प्लीज। ज़ैनब, मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए तुमसे। क्योंकि मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी। लेकिन क्यों? सलीम प्लीज छोड़ो इस सब को। हमारी जिंदगियां बहुत मुख्तलिफ हैं, पहले भी कह चुकी हूं, और बेहतर यही होगा कि हमारा रिश्ता दोस्ती तक ही रहे। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो। ज़ैनब, झूठ नहीं बोल रही हूं मैं, हकीकत बता रही हूं तुम्हें। क्या हकीकत बता रही हो? क्या मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता? हमारी दुनिया, हमारी जिंदगी क्या अलग है एक दूसरे से? फिल्मी डायलॉग मारना बंद भी करो यार। बताओ मुझे, आखिर मेरी गलती क्या है ज़ैनब? सलीम, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। ठीक है, तो फिर आखिरी सवाल का जवाब दो मुझे, लेकिन सिर्फ सच बोलना। क्या तुम उससे प्यार करती भी हो? ज़ैनब, जवाब दो मुझे, क्या तुम उससे प्यार करती हो? आओ आओ, और बहुत खुश आमदीद, आ जाओ बैठो। जी शुक्रिया बाबा, मैं जरा जल्दी में हूँ, मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाना है। ठीक है, जाओ ताकि पसंद की तारीख मिल सके। हाँ, जनवरी का आखिर कैसे रहेगा? नहीं आखिर नहीं। क्यों? थोड़ा जल्दी करवा लो, जनवरी के पहले हफ्ते में। मेरी मानो तो एक काम करो, 2 जनवरी की डेट फिक्स करवा लो। 2 जनवरी की? हाँ, तो देर क्यों करें हम? आपने तारीख ऐसी बताई कि मैं परेशान हो गया। क्योंकि ये अच्छी तारीख है, साल की पहली शादी तुम्हारी ही होगी। चले ठीक है, 2 जनवरी की तारीख पक्की। हाँ ठीक है, कर लो। ठीक है, चलता हूँ। मैं चलती हूँ अब। ज़ैनब, आंखें खोलो। ज़ैनब, ज़ैनब क्या हुआ? आंखें खोलो। हेलो मलिक साहिबा। जी हेलो। जी कहिए। वो मुझे मालिक मकान का नंबर चाहिए। क्यों, क्या बात करनी है? आप मुझे बता दें। नहीं, मैं खुद उनसे बात करना चाहती हूँ।
दरअसल वो मेरी भी कॉल अटेंड नहीं करते, वो खुद ही कॉल करते हैं। आपका जो भी काम है मुझे बता दें। घर के बारे में बात करनी थी जी। हो सकता है कि वो कल खुद ही आपके घर आ जाएं। आप खुद उनसे बात कर लीजिएगा, यही ज्यादा बेहतर रहेगा। मुझे नहीं पता कि कल मेरे पास टाइम है भी या नहीं। देखिए, आप चाहें तो हम आपके ऑफिस में मिल लेते हैं। घर बेचने से पहले वो एक बार घर देखना चाहते हैं। जब वो आए तब आप बात कर लीजिएगा उनसे। अच्छा ठीक है, समझ गई, कल मुलाकात होती है फिर। क्या तुम ठीक हो? ब्लड प्रेशर काफी लो है आपका, क्या इससे पहले आप कभी बेहोश हुई हैं? नहीं, पहले नहीं हुआ ऐसा। ठीक है ठीक है, आप फिक्र नहीं करें, मैं आपके लिए ग्लूकोज भिजवाती हूँ। कुछ देर आप आराम करें, आधे घंटे बाद दोबारा आपका ब्लड प्रेशर चेक करूंगी। अगर फिर भी ब्लड प्रेशर ठीक नहीं हुआ तो टेस्ट करवाने होंगे। बहुत शुक्रिया। यूर वेलकम मैम। मैं बहुत डर गया था। ज़ैनब, तुम ठीक हो? ठीक हूँ। कैफेटेरिया में थी तो तुम्हारे बारे में पता चला, क्या हुआ था? सब ठीक है ना? ठीक हूँ, बस कुछ नहीं, ब्लड प्रेशर लो हो गया था मेरा। हेलो, मेरा नाम गुलनार है। मैं सलीम। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। नहीं, वो मेरे लिए शुगर वाटर लेने गई है, फिलहाल कुछ और पीना ठीक नहीं। ठीक है, फिर बाद में ले आती हूँ। देखो तो सही, कहता है बहुत मुंह फट हूं मैं, सच बोलना भी यहाँ जुर्म बन गया हो जैसे। ये क्या, मैंने तो 3 कप बनाए थे। अल्लाह अल्लाह, इस आदमी की वजह से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। फिराज खाला। कहो मेरी जान। ये आपके लिए सादिक अंकल ने भेजे हैं। अल्लाह अल्लाह, लगता है गलती का एहसास हो गया। कितने प्यारे हैं ये, लाओ दो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। आपने उन्हें माफ कर दिया अब? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ इन फूलों से मानने वाली नहीं हूँ मैं। दिल तोड़ना बहुत आसान है लेकिन जोड़ना बहुत मुश्किल, कसम से। एक बार ना मेरी दोस्त ने मेरी डॉल के हाथ तोड़ दिए थे लेकिन मैंने उसे माफ कर दिया, तो इसलिए आप भी उन्हें माफ कर देना किराज खाला। अगर मैंने उसे माफ किया तो मेरा नाम भी किराज नहीं। बहुत जिद्दी हूँ मैं।